दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारतीय स्टार्टअप मीशो अल्प हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने हिस्सेदारी को खरीदने के लिए किए गए निवेश का खुलासा नहीं किया है। मीशो इससे पहले भी कई निवेशकों से $65 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए का निवेश पा चुका है। आपको बता दें कि मीशो उद्यमियों को ऑनलाइन अपना व्यापार बढ़ाने में मदद करता है। फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और MD अजीत मोहन ने PTI से बातचीत में बताया कि इस निवेश के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण, हम मीशो के संस्थापक और इसकी टीम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरा कारण यह है कि इसका फोकस देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों पर है। इसके जरिए वह इंटरनेट के जरिए बड़े महानगरों के बजाय नए इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि तीसरा यह मुख्य कारण है कि मीशो प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से ज़्यादा रीसेलर उपलब्ध हैं और इसमें 80% से ज़्यादा महिलाएं उद्यमी शामिल हैं। यह महिलाएं उद्यमी को ऊर्जा दे रहा है और इसके लिए रोजगार सृजन एजेंडा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके जरिए भारत के आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। फेसबुक का भारत में यह दूसरा निवेश है। 2014 में फेसबुक ने हैदराबाद की लिटिल आई लैब्स का अधिग्रहण किया था। लिटिल आई लैब्स मोबाइल ऐप डेवलपर्स को परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग टूल्स उपलब्ध कराती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि मीशो क्या है। मीशो एक भारतीय सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके स्थापना दिल्ली IIT से स्नातक विदित अत्र और संजीव बर्नवाल ने दिसंबर 2015 में की थी। यह छोटे उद्यमियों को WhatsApp, Facebook, Instagram आदि जैसे सोशल चैनलों के माध्यम से अपने ऑनलाइन स्टोर शुरू करने में सहायता उपलब्ध कराती है। मीशो के सह संस्थापक विदित ने बताया कि पिछले 4 सालों में मीशो से 15,000 सप्लायर और 20 लाख रीसेलर जुड़े हैं। यह सप्लायर और रीसेलर पूरे देश में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक के साथ एक सामान्य लक्ष्य तय किया है जो व्यापारिक समुदाय और छोटे कारोबारियों को विकास में मदद देगा। फेसबुक हमें इस लक्ष्य को पाने में मदद करेगा।